साथी रहो मैं सर टाइम कितना है टाइम देखो कितना है एक मिनट डॉक्टर साहब आए नहीं हम चले गए चार के तेरे में चार दो बजे डॉक्टर साहब आया सर चार बज के बारह मिनट हो गए चंडीगढ़ सोशल मीडिया तो उपर कोई कुछ नहीं है असि सिर्फ जागरूक कर सकते हो सकता कल मेरी फांसी लगा मेरा एक्सीडेंट करवा दे बोल रहे क्योंकि मुकेश ठाकुर ने सिर्फ इस करके चुकया कि तुम लोगों के लिए आवाज तो उठाना तो उस बाद मैंने फांसी ला सकते हैं मैं एक्सीडेंट कर सकते जे ये जिम्मेवार जज साहब होंगे दूजे जिम्मेवार लुधियाने का कमिश्नर होगा जिहड़ा कि मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने मानयोग हाई कोर्ट ने भी इन्हें कहा है कि हिंदुस्तान के सब तो वड्डे गुंडे आई एस अफसर ने असं एक सिपाही किमें कह सकते हैं असं एक हौलदार किमें कह सकते हैं जो कि सब तो वड्डे गुंडे कमिश्नर बैठा इतने गुंडा गुंडे का सरगना वो बैठा असं कमिश्नर सब सुनने का नहीं एप्लीकेशन तक उन्हें नहीं लगी हाई कोर्ट के जो लुधियाने के लिए है इंस्पेक्टिंग जज असं उन्होंने लिखा जे कोई कार्रवाई नहीं होंगी तो यही कहना कि जिन्हें इतने खड़े ने असं आपे सी सुसाइड नहीं करना चाहते हैं असं सू फांसी भर लगे चौक फांसी कडो उत्तर सू फांसी ला दो कि अं बोलते क्यों नहीं सारा राइट टू लाइफ जोड़ा है वो खत्म करके रखता इन्होंने सवेरे शाम तक बैठिए जज साहब 9 बजे क्यों नहीं आए 10 बजे क्यों नहीं आए 2 बजे आएंगे 2 बजे आके 4 बजे चले जाएंगे अदालत का नहीं है क्योंकि असं एप्लीकेशन नहीं उठ के पहले भज गए जो कि मुकेश ठाकुर और लक्की जय हिंद पुलिस वालों बहुत ज़्यादा कुटिया मारिया गया है तो असं उन्होंने इतने पुलिस वाले उन्होंने जुडिशियल डिमांड हो गया उन्होंने जो असं जज साहब ने कहा कि ये प्रॉब्लम जी है कि इन्होंने उपर कोई केस नहीं बनता या सूँ कुछ रिटर्न दो तो कहते हैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट हाँ मैं तो इलाका मजिस्ट्रेट में सारा कुछ भेजता तो असं ये पूछते हैं कि जो साडे ह्यूमन राइट्स ने साडे जो फंडामेंटल राइट्स ने राइट टू लाइफ हैगा वा पुलिस वाले उन्होंने प्रोटेक्शन लिए नहीं जो सा राइट टू लाइफ ही स्पॉयल करना है उन्होंने असं कुटमार उन्होंने जो कुटमार की है मुकेश ठाकुर आप अपनी एप्लीकेशन लिख के गया उन्हें इतने सिग्नेचर किए हैं जज साहब उस पर पहले ही उठ के चले गए अदालत बंद कर दी गई एक जरा न्याय लैन का अधिकार है साडा वह कितने जाऊगा असं 10 रुपये जो दिते ने कोर्ट के असं इंसाफ लैना है साडा इंसाफ का हक कितने जाऊगा अदालतों के सब कुछ चल रहा लोअर कोर्ट्स के और जोड़ा है पुलिस वाले सब कुछ पुलिस वाले ने कुटमार की है और वह असं हिसाब कितों लेंगे अदालतों के दरवाजे सब ही बंद ने और पुलिस कुछ कर नहीं रही तो असं एक गुलाम भारत के असी रहना सानू मुनासिब नहीं है इस चंगा है कि सानू सारे फांसी ला दो और तुम जी राज अपनी कुर्सियां संभालिया हुई ने चाहे वह जुडिशरी है चाहे वह एग्जीक्यूटिव है चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है या वह जोड़े साढ़े इलेक्टेड लीडर्स है उन्होंने यह कहो कि तुम जितने धरती के उपर राज करो पर लोगों के उपर राज नहीं होना यह जी लड़ाई है यह साड़ी लड़ाई भारत का संविधान की जी राखी हैगी असं आप लोग करा क्योंकि भारत के संविधान में जोड़ा सू संविधान में दिता हुआ कि जोड़ा इन राइट सा इंडिविजुअल राइट है साड़ी मानवता रखी हुई है साडा जो डिग्निटी हैगी असं फाइट करा और साडा यह हक हैगा असं अदालतों में भी रौला पावे असं सड़कों के उपर भी रौला पावे यह बहुत ही एक अन्याय हो साडी एप्लीकेशन तक कोर्ट में लेगी तो असं कितने लगी बेहतर है कि सानू भी गिरफ्तार कर लो साडा मुंडा मार दोगे उत्थे तो असं जो माता खड़ी है और इन्ना डर रही है माता वो ये कहें कि असं अदालत में ना ही दिता जाए बाकी अद्धे बंदे इतने साडे यही कहते हैं कि इन्ना ज़्यादा सहमे हुए हैं कि पुलिस वाले तो कुछ भी कर देंगे साडे घरों चौके चके रख लेंगे
तो मैं यही कहना चाहना कि जे यही इंसाफ है जे इस तरह का इंसाफ है तो सानू मंजूर नहीं है भारत का जो जुडिशल सिस्टम है उसे ठीक किया जाए। दूसरी चीज़ यह है कि भारत का जो न्याय प्रणाली है उसे ठीक करने के नाल नाल जो भारत का संविधान है उसे लागू करने के लिए असं आवाज़ बुलंद करेंगे। ना तो सानू इत्थे अदालत इंसाफ मिले ना सानू पुलिस को इंसाफ मिले असं किस पास जाइए। धन्यवाद।